यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जी हां गाइस, कि इतने तारीख तक इन सभी छात्रों की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। जी हां गाइस, पूरी अपडेट को वीडियो में विस्तार से हम लोग जानेंगे। साथ ही स्टेटस आप लोगों का कब से होगा, स्टेज फर्स्ट वालों का कब से होगा, स्टेज सेकेंड का कब से होगा, साथ ही करेक्शन आप लोग कब से कर सकेंगे। जी हां गाइस, सबसे ज़्यादा सवाल छात्रों द्वारा पूछे जा रहे हैं कि सर ये बताइए करेक्शन का पोर्टल आखिरकार कब तक ओपन होगा, क्योंकि हमने फॉर्म में छोटी बड़ी कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दी हैं, तो कब से हम लोग इसका सुधार कर सकेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि करेक्शन का पोर्टल ओपन होने की उम्मीद कितने तारीख से है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज की ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है, आप लोग यहां पर देख लीजिए क्या कुछ अपडेट आ रही है। यूपी स्कॉलरशिप दिसंबर तक स्टूडेंट के खाते में आ जाएंगे छात्रवृत्ति के पैसे, जाने किन छात्रों को मिलेगा लाभ। जी हां गाइस, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका फॉर्म इस बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सारा कुछ जानेंगे। अभी हम लोग स्टेटस के बारे में भी बात करेंगे, करेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, आखिरकार करेक्शन ओपन क्यों नहीं हो रहा करेक्शन का पोर्टल। देखिए, बोला गया समाज कल्याण विभाग की तरफ से छात्रों के खाते में 28 दिसंबर तक स्कॉलरशिप के पैसे भेज दिए जाएंगे, 15 जनवरी तक सभी छात्रों को पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, ये अपडेट आई थी कि 28 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में स्टेज सेकेंड वालों की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में भेजी जाएगी। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि इस बार 55 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 55 लाख छात्रों को। जी हाँ गाइस, बोला जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रों के खाते में 28 दिसंबर तक स्कॉलरशिप के पैसे भेजे जाएंगे, 15 जनवरी तक सभी छात्रों का पैसा मिल जाएगा। बता दें पिछले साल कोरोना के चलते, देखिए कोरोना के चलते यहाँ पर सरकार भी कबूल कर रही कि 39 लाख छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिल पाई थी। इसमें अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल थे, जबकि इस बार क्या है, मतलब कम से कम आप समझ सकते हो कि 15 से 16 लाख छात्रों को ज़्यादा स्कॉलरशिप इस बार मिलेगी। तो ऐसा इस बार नहीं है कि किसी की स्कॉलरशिप छूटेगी, जितने लोग फॉर्म भरे रहेंगे आई थिंक कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे चुनाव है तो स्कॉलरशिप सबको मिलेगी। अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो, 30 नवंबर लास्ट डेट है, अभी भी आपके पास चांस है, भर दो फॉर्म, मेरे कहने पर फॉर्म भर दो, क्योंकि पैसा मिलेगा इस बार, समझ गए। तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जो स्कॉलरशिप लेने के बाद कॉलेज की फीस नहीं जमा करते उनका फॉर्म मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा कई चरण इस बार किया जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट की जाँच की जाएगी, अगर फर्जी लगाए हो आप लोग तो भी आपका फॉर्म इस बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ गए। बाकी जो भी आपने गड़बड़ी की रहेंगे आप छोटी बड़ी, उसको आपके मोबाइल के थ्रू मैसेज पर भेज दिया जाएगा मैसेज कि आपके फॉर्म में ये गड़बड़ी है। तो ये कुछ अपडेट आ रही थी। अब बात करते हैं करेक्शन का पोर्टल कब तक ओपन होगा। देखिए 16 तारीख को ऑफिशियल नोटिस आई थी, लेकिन DWO से बात करने पर अभी भी पता चला है कि अभी आपका पोर्टल ओपन होने में कुछ समय लग सकता है, हो सकता है कि 5 से 6 दिन अभी लग सकता है आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होने में। देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है, योगी गवर्नमेंट ने बोला है कि 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप देंगे हम 15 लाख लोगों को, तो ऐसे में अगर 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप ये लोग देंगे तो ऐसे छात्रों को देंगे 15 लाख जिनको फॉर्म में करेक्शन ही नहीं करना, ऐसे लोगों को ये स्कॉलरशिप दे देंगे। बाकी करेक्शन का पोर्टल अभी पिछले इस 5 दिनों के अंदर अभी नहीं होगा, कम से कम आप लोग मान के चलो 5-6 दिन बाद ही आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा। अगर करेक्शन का पोर्टल जब भी ओपन होगा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी दूसरी उम्मीद ये भी लग रही है, DW वाले भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 30 नवंबर तक, अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या JEE NEET या पॉलिटेक्निक या BTEC कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं एक अमेजिंग एप्लीकेशन लाया हूँ। जी हाँ गाइस, जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप लोग 24x7 आवर्स अपने सवालों के आंसर पा सकते हो विद इन 60 सेकेंड। इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, जिसमें आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और इस एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के इसको साइन अप कर लेना है। इसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की फोटो लेनी है और यहाँ पर अपलोड करना है, जहाँ पर आप लोग विद इन 60 सेकेंड लाइव जुड़ जाओगे इंडिया के एक्सपर्ट के साथ और अपने सवालों के आंसर पा सकते हो। तो देरी किस बात की, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस यार, देरी किस बात की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इस रेफरल कोड को आप लोग यूज कर सकते हो जो सामने दिख रहा है। जो स्टेज सेकंड वाले छात्र हैं, स्टेज सेकंड का आपको पता होगा डेट 30 नवंबर तक है, तो 30 नवंबर तक स्टेज सेकंड वाले जब फॉर्म भर लेंगे तो उसके 10 दिन बाद स्टेज वन और स्टेज सेकंड दोनों लोगों के लिए करेक्शन का पोर्टल एक साथ भी ओपन किया जा सकता है, अगर ये 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप नहीं देते हैं तो। देखिए दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर करेक्शन का पोर्टल जो ओपन होने की उम्मीद है, जो DW वाले बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, 5 से 6 दिन बाद आपके पोर्टल ओपन हो जाएगा, मान के चलो 29-30 तारीख तक आपके पोर्टल ओपन होने की उम्मीद है। हालांकि जब भी पोर्टल ओपन होगा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी
अगर 30 नवंबर तक यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती स्टेज फर्स्ट वालों को, डिले करती है, तो इस केस में ये भी हो सकता है कि 30 नवंबर फॉर्म भरने के बाद 10 या 12 दिसंबर तक स्टेज वन स्टेज सेकंड दोनों लोगों को एक साथ में करेक्शन का पोर्टल ओपन किया जाए और दोनों लोगों को साथ में स्कॉलरशिप दी जाए। ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप देंगे लेकिन करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है ना ही स्टेटस शो हुआ है, तो इस केस में बहुत ही कम उम्मीदें लग रही हैं। हालांकि यार आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, मैं करेक्शन स्टेटस के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी, छात्र लगातार कमेंट करके पूछ रहे, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से बता दे। बाकी यार जब भी ओपन होगा आप लोग टेंशन मत लेना, वीडियो के माध्यम से आपको मैं फटाक से सबसे पहले टेलीग्राम पर भी बता दूंगा, यहाँ पर भी बता दूंगा कैसे क्या कुछ करना, सब कुछ बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।